सैमसंग गैलेक्सी M40। ये फोन जब से आया है, मतलब फर्स्ट सेल में, उसके बाद से मैं इसको रेगुलरली अपने डेली ड्राइवर की तरह यूज कर रहा हूँ और आज फाइनली इसका प्रॉपर फुल एंड फाइनल रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M40 के हर एस्पेक्ट को मैं कवर करूंगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और आपको मदद होगी कि आप सैमसंग गैलेक्सी M40 को बाय करें या ना करें। तो सीधा चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मैं हूं भीम और आज हम देखने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M40 का इन डेप्थ रिव्यू। सो लेट्स चेक इट आउट। फोन के बारे में सोचते सबसे पहले माइंड में क्या आता है? डिजाइन। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में। तो इसका डिजाइन काफी अच्छा है, लाइक सॉलिड फील है, और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर किया गया है इस स्मार्टफोन में। ये फोन ऐसा नहीं लगता कि कहीं से कुछ ना कुछ डिजाइन में कोई डिफेक्ट हो। जो इसके बटन्स है काफी टैक्टाइल है और सॉलिड फील होते हैं, क्लिक करने में ज्यादा मजा आता है। और साथ ही साथ इसके अंदर सामने की तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, जो कुछ उतनी खास है नहीं। और बैक साइड पे जो ये प्लास्टिक की जो कवरिंग दी गई है वो भी कुछ खास है नहीं। लाइक 20,000 का फोन है और इसके अंदर लाइक जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स है वो ग्लास बैग दे रहे हैं, गोरिल्ला ग्लास 5 दे रहे हैं। इन्होंने इस फोन में प्लास्टिक बैग देके थोड़ी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की है, ताकि ये थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके। जी हाँ, दो बात जो इसकी नोट करने वाली है, जो इसके मेजर कॉन्स है। सबसे पहला तो इसका जो फिंगरप्रिंट है वो हल्का सा ऊपर है, जो कि आपके नेचुरल जहाँ पर फिंगर रेस्ट करती है उससे हल्का सा ऊपर है, तो आपको थोड़ी आदत डालने में हो सकता है 1-1.5 हफ्ता लगे। साथ ही साथ सेकंड बात, जो इसकी प्लास्टिक बैग है वो पता नहीं मेरे डिवाइस में दिक्कत है, पता नहीं ऑल ओवर ये दिक्कत है, बट फ्लैश ऑन करते ही वहाँ से लाइट लीक होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं फ्लैश को हाइड कर देता हूँ अपने फिंगर से, तो यहाँ पर फ्लैश पूरी बैक से लीक हो रही है, साइडों से। ये अब इसको ऐसे आप शॉफ भी यूज कर सकते हो या एक कॉन की तरह भी देख सकते हो। कॉन ये है कि लाइट लीक हो रही है, प्रो ये है कि आप अपने फोन को दिखा सकते हो, लाइक ये फीचर है लाइट लीक हो रही है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग है, बस इसी हिसाब से आप दिखा सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग ये कॉन है, क्योंकि प्लास्टिक बैग इतनी टाइट होनी चाहिए एटलीस्ट साइड से लाइट लीक ना हो। बेशक जो बैक है वहां से हल्की हल्की ट्रांसलूसेंट जो सरफेस होता है उससे हल्की हल्की दिखाई दे दे वो चलता है। तो चलो अब सेकंड एस्पेक्ट की तरफ करते हैं, जो है डिस्प्ले। और डिस्प्ले इसकी मेजर जो है सेलिंग पॉइंट है इस स्मार्टफोन में। तो सामने की तरफ हमें 6.3 इंचेस का फुल HD पैनल मिलता है, और ये बात नोट कीजिए, ये ना AMOLED पैनल है ना IPS LCD पैनल है, ये TFT पैनल है। जी हाँ, 20,000 का फोन है, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सैमसंग का है तो AMOLED तो आएगा ही आएगा, बट नहीं, यहाँ पर सैमसंग ने IPS LCD भी नहीं दिया, TFT पैनल दिया है, जो कि बहुत पुराने जनरेशन का पैनल है। मैं मानता हूं कि ये पैनल बेकार नहीं है, एक एवरेज पैनल है, बट अगर हम 20,000 पे कर रहे हैं सैमसंग को, तो हमें चाहिए कि AMOLED डिस्प्ले हो। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ये M40 है, M30 के अंदर हमें AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इसके अंदर हमें TFT पैनल, मजा नहीं आया। जो कंट्रास्ट, जो कलर्स, जो अच्छी डिस्प्ले होती है, जो हमें कलर्स की एक्यूरेसी, जो पिच ब्लैक्स होते हैं, वो हमें AMOLED में ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये TFT पैनल उसके स्टैंडर्ड से काफी नीचे है। एक बात जो इसकी काफी अच्छी है वो है कि इसके अंदर हमें पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, और ये पंच होल इस बार लेफ्ट साइड पर है, जो कि सैमसंग S10 वगैरह में राइट साइड पर था। तो इनके जो है यूज करके आप कूल वॉलपेपर्स डाल सकते हो इसमें। इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैंने कार्ड डाल दिया इधर जिस साइड होगा देख लेना, तो वो कार्ड पे आप जाके इसके अंदर बड़ी बड़ी वॉलपेपर इंस्टॉल कर सकते हो। और ये पंच होल व्यूइंग एक्सपीरियंस में काफी, मतलब कोई दिक्कत नहीं करता। जो आपकी नोच होती थी ना स्मार्टफोन में, वो आती थी बीच में, उसे हम नेगलेक्ट कर देते थे, बट इस पंच होल को नेगलेक्ट करना और आसान है, क्योंकि एक तो ये आपके लेफ्ट कॉर्नर पे या राइट कॉर्नर पे कोने में पड़ी रहेगी, साथ ही साथ ये उतना मेजर स्पेस नहीं लेती जो आपका नोच लेता था। नोच आपकी आधी स्क्रीन या फिर 1/4 स्क्रीन कवर करता था, बट ये हल्का सा एक कैमरा जितना कटआउट है, जो कि काफी छोटा है और कोने में पड़ा रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो तो आपको एक प्रॉपर स्क्वायर स्क्रीन वाला एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन से। तो चलो अब बात होगी डिस्प्ले की, अब चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस को लेके। तो भैया परफॉर्मेंस से आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मतलब इसके अंदर में स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिलता है, और साथ ही साथ 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज इन स्पेसिफिकेशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इनकी सैमसंग की नई UI है, One UI, वो भी काफी कंपैटिबल है और काफी पावर एफिशिएंट भी है। लाइक जब स्नैपड्रैगन 675 और सैमसंग की One UI दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे, तो ये फोन काफी स्नैपी था।
डे टू डे यूज में, मल्टीटास्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज में ज्यादा मजा आ रहा था। और एज कंपेयर टू जो अदर बजट स्मार्टफोन्स है, लाइक शाओमी हो गया या फिर रियलमी हो गया या वीवो ओप्पो हो गए, उनसे मुझे ज्यादा मजा इस फोन को चलाने में आया, क्योंकि इसकी एनिमेशन स्मूथ थी, वन यूआई काफी मुझे पसंद आई, और साथ ही साथ जो स्नैपड्रैगन 675 के साथ इसका कॉम्बिनेशन है वो मुझे ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि मैंने M20 भी टेस्ट किया है, M30 भी टेस्ट किया है, तो उससे बेटर मुझे M40 की UI और जो इसका परफॉर्मेंस का आउटपुट था वो मुझे काफी बेहतर लगा बाकी स्मार्टफोन से। और साथ ही साथ इसके अंदर गेमिंग भी अच्छी होती है, तो गेमिंग के लिए भी आप टेंशन फ्री रहो कि इसके अंदर आपको जो बजट सेगमेंट में सारे स्मार्टफोन गेमिंग देते हैं, HD पे नॉर्मल ग्राफिक्स, लाइक बहुत हाई एंड नहीं, नॉर्मल ग्राफिक्स पे अच्छी गेमिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं कैमरा। अब यहां पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कैमरे से। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर पीछे की तरफ 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि एक नॉर्मल कैमरा है जिसका अपर्चर F1.7 है। जो इसका सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और जो थर्ड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस। अब ऑन पेपर तो स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन के कैमरा की काफ़ी अच्छी है, बट डे टू डे यूज में ये स्मार्टफोन उतना अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस नहीं देता। क्यों? सबसे पहले तो इसके अंदर शार्पनेस की काफ़ी कमी रहती है मैक्सिमम शॉट्स में, और साथ ही साथ हर शॉट में एक ब्लू टिंट आपको दिखाई देता है जो कि उतना मज़ेदार नहीं है। लाइक आप फोटो क्लिक करो, आप चाहते हो उसे कहीं पोस्ट करना, बस ब्लू टिंट है, उसे आप एडिट करोगे, उसके अंदर से वार्म टेम्परेचर थोड़ा वार्म करोगे, उसके बाद कहीं पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो इतना ब्लूइश है मेरे को मज़ा नहीं आता उसमें। तो कैमरा हल्का सा लैग करता है इसका, और साथ ही साथ सेल्फी कैमरा तो हर फोटो ब्लर आती है, और जो इसका ब्यूटी मोड है वो भी मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। तो कैमरा में M40 बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, केवल अगर आपको वीडियोस बनानी हो तो वीडियोस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर इसका आप इनडेप्थ कैमरा रिव्यू देखना चाहते हो ना, तो उसकी वीडियो भी बना दिया मैंने, इसका कार्ड डाल दिया, आई बटन पर आप क्लिक करके इसका इनडेप्थ कैमरा रिव्यू भी देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके मेन एलिमेंट की, क्योंकि इसके एक दो USPs थे जो मेन सेलिंग पॉइंट थे। एक तो वो पंच होल कैमरा जो कि इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, और सेकेंडरी इसके अंदर ईयरपीस नहीं है। तो आप पूरी वीडियो में देख रहे होंगे, अगर आप M40 के बारे में नहीं जानते और आज पहली बार इसका रिव्यू वगैरह देख रहे हो, तो M40 के अंदर सामने की तरफ आपका ईयरपीस नहीं है, मीन्स जिससे आप कॉल पर बात करते हो वो वाला स्पीकर अवेलेबल नहीं है। इसका क्या है, जो स्क्रीन है ना पूरी, वो पूरी वाइब्रेट करती है और वहाँ से आपको साउंड आती है। अब ये वाइब्रेशन इतनी भी नहीं है कि सामने बाहर वालों को आवाज़ आए, बट इतनी है कि आप फोन को कान के पास लगाओगे तो आवाज़ आ जाएगी। अब ये जब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था तब तो बहुत मज़ा आया, लाइक कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला, कुछ मसाला मिला, कुछ नई टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस करने को मिला, बट डे टू डे यूज़ में वो मज़ा कम हो गया। मतलब आप होता है ना कि आउटडोर खड़े हो, ट्रैफिक ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। आपको एक प्रॉपर ईयरपीस ही वो साउंड दे सकता है प्रॉपर, जो कि लाइक अगर आप बात कर रहे हो, एक प्रैक्टिकल यूज की बात करता हूँ, अगर आपका स्मार्टफोन है और आप ऐसे बात कर रहे हो, अगर आपको आवाज़ कम आ रही है या सिग्नल रिसेप्शन में कोई दिक्कत है, तो आप फोन को जो ईयरपीस को हल्का सा टेढ़ा कर लेते हो ताकि वो आवाज़ प्रॉपर आपके कान तक पहुंचे, या फोन को थोड़ा एडजस्ट करते हो या कुछ ना कुछ करते हो ताकि आवाज़ प्रॉपर हो जाए अगर आवाज़ में कोई कमी है। बट इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इसकी स्क्रीन वाइब्रेट करती है, आप कितना ही फोन को आगे पीछे ले जाओ कान के, वो आवाज़ वैसी रहने वाली है, और साथ ही साथ आवाज़ भी काफ़ी मफल्ड या फिर कट कट के आती है, तो वो मज़ा आता नहीं है जो आपको प्रॉपर एक ईयरपीस में देखने को मिलता है। तो इसका ये नई टेक्नोलॉजी मुझे तो कुछ खास पसंद आई नहीं, और साथ ही साथ बात करने में दिक्कत है। तो एक फ़ोन है, फ़ोन किस लिए होता है? बात करने के लिए। अगर आप बात ही नहीं कर सकते इस फोन से प्रॉपर रेगुलरली, अगर आप उसी में दिक्कत आएगी तो क्या फ़ायदा। सेकेंडली इसके स्पीकर्स इसके अच्छे हैं, क्लैरिटी अच्छी है, बट लाउडनेस काफ़ी कम है। लाइक यूट्यूब वीडियोज़ देख रहा हूँ, तो जो नॉर्मल लाइक म्यूजिक वीडियोज़ है ना, उनका आप जानते हो थोड़ा म्यूजिक लेवल हाई रहता है, तो उनको प्रॉपर फुल वॉल्यूम में सुनूंगा तो ठीक है, अच्छी आवाज़ है। बट कोई ट्यूटोरियल देख रहा हूँ या किसी का व्लॉग देख रहा हूँ या कोई और दूसरी वीडियो देख रहा हूँ जिसमें कुछ वोकल्स है, म्यूजिक वीडियो नहीं है, वो जो इसमें म्यूजिक नहीं है, नॉर्मल वोकल्स है, उसकी आवाज़ तो बहुत ही कम आती है और मज़ा ही नहीं आता वीडियो देखने में, तो उसके चक्कर में मैं फिर ईयरफोन्स लगाता हूँ। अब ईयरफोन्स में भी पंगा है, इसके अंदर हमें सैमसंग ने हेडफोन जैक नहीं दिया, तो आपके जो USB टाइप सी वाले ईयरफोन्स है वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को ना काफ़ी बेकार करते हुए चले गए सैमसंग इस चीज़ के साथ, क्योंकि इन्होंने ईयरपीस बेकार दिया, स्पीकर एवरेज दिए, और साथ साथ हेडफोन जैक भी नहीं दिया, और जो डिस्प्ले है वो भी एमोलेड नहीं दी। तो ये तीन चार एलिमेंट है
जिनकी वजह से मैं इस फोन को रिकमेंड नहीं करूंगा। एक दो चीजें और है बची है, बैटरी। बैटरी इसकी एवरेज बैटरी बैकअप देती है, आप सुबह चार्ज करो शाम तक चल जाएगा। अगर आप गेमिंग वगैरह ना करो, गेमिंग करते हो तो शाम को थोड़ा बहुत टॉपअप करने की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ इसके साथ आप जो सप्लाइड चार्जर है उसी को यूज करें, क्योंकि वो उसी के साथ कंपैटिबल है। मैंने दूसरा लाइक वन प्लस का डैश चार्जर है उसे ट्राई किया था, उससे चार्जिंग में तो ये डबल ट्रिपल टाइम ले रहा था। तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा अगर आप सैमसंग का ये M40 लेने की सोच रहे हो, और सप्लाइड चार्जर यूज कीजिए और उससे एक से डेढ़ घंटे में, मैक्स से डेढ़ घंटा उसमें चार्ज हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। एक चीज और, इसके अंदर जो ऑटो ब्राइटनेस है ना वो प्रॉपर सेंसर नहीं दिया गया। जो इसका फ्रंट कैमरा है ना वही थोड़ी बहुत लाइट सेंस करके आपको बताता है कि ब्राइटनेस कितनी रखनी चाहिए, तो वो भी इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि प्रॉपर लाइट सेंसर ही एक लाइट सेंसर का काम कर सकता है। आप एज ए कैमरा उसको सप्लीमेंट यूज कर रहे हो तो उतना मजेदार, उतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलता। तो सैमसंग M40 आपको लेना चाहिए या नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। ये फोन एक अच्छा स्मार्टफोन होता अगर इसका प्राइस थोड़ा कम रखा होता, बट अगर हम 20,000 का प्राइस सेगमेंट लेके चल रहे हैं तो हमें हर चीज अच्छी क्वालिटी की चाहिए। अगर आप इसका कैमरा लैग कर रहे हो, डिस्प्ले एमोलेड नहीं दे रहे हो, हेडफोन जैक हटा रहे हो, चलो वो तो कोई नहीं, हेडफोन जैक का तो आजकल का सभी हटा रहे हैं, बट स्टिल एक काउंट कर रहा हूं मैं, हेडफोन जैक हटा रहे हो, 3 पॉइंट हो गए। ईयरपीस की नई टेक्नोलॉजी यूज करने की कोशिश की बट वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, तो वो भी उतना मजेदार नहीं है, और स्पीकर भी इसके इतने लाउड नहीं है जो आपको मल्टीमीडिया में मजा आएगा। तो ये 4-5 कॉन्स होने की वजह से मैं इस फोन को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा और आप इस फोन को मत लीजिए। इससे बेटर है अगर आपको सैमसंग ही लेना है तो M30 लीजिए और थोड़े पैसे बचाइए, या A50 लीजिए जिसमें 1 से 1.5 हज़ार आपको ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और सैमसंग गैलेक्सी M40 आप अगर ले चुके हो तो आपके लिए बहुत अफसोस है मुझे, क्योंकि मुझे पर्सनली डिवाइस पसंद नहीं आया। तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको जो हमारे चैनल से रिव्यूज आ रहे हैं, जो कुछ कमियां है इस वीडियो में लगी या फिर हमारे चैनल में लगती है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके फीडबैक्स लेना चाहता हूं ताकि हम थोड़ा और इंप्रूव कर सके। तो आप अपने फीडबैक जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।